अगर आपको हथौड़े से सर पर चोट मारे तो कैसा लगेगा? यही काम करती है सबीर हका की कविताएं। सबीर हका वैसे तो ईरानियन कवि हैं और इमारतों के निर्माण का वो काम करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं। उनके दो कविता संग्रह हैं जो अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं और ईरान समिक कविता स्पर्धा में वो प्रथम पुरस्कार पा चुके हैं। लेकिन कविता से पेट नहीं भरता, पैसे कमाने के लिए सबीर को पत्थर ईंट ये सब ढोना पड़ता है। सबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बेहद थका हुआ, मैं पैदा होने से पहले से ही थका हुआ हूँ। मेरी माँ मुझे अपने गर्भ में पालते हुए मजदूरी करती थी, मैं तब से ही एक मजदूर हूँ। मैं अपनी माँ की थकान महसूस कर सकता हूँ, उनकी थकान अब भी मेरे जिस्म में है। उनकी कविताओं को गीत चतुर्वेदी जी ने ट्रांसलेट किया है हिंदी में और मजदूर दिवस के इस मौके पर आज मैं आपको उनकी चार पांच जो कविताएं हैं वो सुनाने वाला हूं। सुनिए आप। सहतूत, क्या आपने कभी सहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी ज़मीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मज़दूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर सहतूत बन जाते हुए। ईश्वर, ईश्वर भी एक मज़दूर है, ज़रूर वह वेल्डरों का भी वेल्डर होगा। शाम की रोशनी में उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल होती है, रात उसकी कमीज पर छेद ही छेद होते हैं। मैं ईश्वर का दोस्त नहीं हूँ, इसका सिर्फ एक ही कारण है, जिसकी जड़ें बहुत पुराने अतीत में है, जब 6 लोगों का हमारा परिवार एक तंग कमरे में रहता था और ईश्वर के पास बहुत बड़ा मकान था जिसमें वह अकेले ही रहता था। बंदूक, अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार न किया होता तो कितने लोग दूर से मारे जाने से बच जाते, कई सारी चीज़ें आसान हो जाती। उन्हें मजदूरों की ताकत का एहसास दिलाना भी कहीं ज़्यादा आसान होता। सरकार, कुछ अर्सा हुआ पुलिस मुझे तलाश रही है, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने सरकार के खिलाफ भी कोई लेख नहीं लिखा। सिर्फ तुम जानती हो मेरी प्रियतमा कि जनता के लिए कितना त्रासद होगा अगर सरकार महज इस कारण से मुझसे डरने लगे कि मैं एक मजदूर हूँ। अगर मैं क्रांतिकारी या बागी होता तब क्या करते हुए? फिर भी उस लड़के के लिए यह दुनिया कोई ज़्यादा नहीं बदली है, जो स्कूल की सारी किताबों के पहले पन्ने पर अपनी तस्वीर छपी देखना चाहता था। जब मैं मरूंगा अपने साथ अपनी सारी प्रिय किताबों को ले जाऊंगा, अपनी कब्र को भर दूंगा उन लोगों की तस्वीरों से जिनसे मैंने प्यार किया। मेरे नए घर में कोई जगह नहीं होगी भविष्य के प्रति डर के लिए। मैं लेटा रहूंगा, सिगरेट सुलगाऊंगा और रोऊंगा उन तमाम औरतों को याद कर जिन्हें मैं गले लगाना चाहता था। इन सारी प्रसन्नताओं के बीच भी मुझे एक डर बचा रहता है कि एक रोज़ भोरे भोर कोई कंधा चिझोड़ कर जगाएगा मुझे और बोलेगा, अबे उठ जा सबीर, काम पे चलना है।